Namaste. ये जो आप साउंड सुन रहे हो करेक्ट ऑफ द सिंगिंग बोल, ऐसे बहुत सारे साउंड्स हमारे जीवन में हैं. राइट नाउ द वे वी आर लिसनिंग द साउंड्स ऑफ द ट्रैफिक, द हॉर्न्स, द नॉइज अराउंड, इवन द साउंड ऑफ द एयर, द साउंड ऑफ द एसी, सो मेनी साउंड्स. बट इसमें से एक ऐसा साउंड हमारे अंदर होता है जो शायद से हमने पकड़ लिया तो फिर हमारा जीवन बहुत ही सरल या सहज हो सकता है. हिंदी और इंग्लिश में बात किए तो चलेगा? करेक्ट, ऑल कंफर्टेबल. सो आज हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं? एनी आइडिया? हैप्पीनेस. अच्छा, थ्रू साउंड थेरेपी. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट्स दी टू लर्न सम? करेक्ट. आप टू क्लियर द माइंड, टू रिलैक्स द माइंड. ओके, आप जी योगा एंड साउंड सेम. ओके, और आप दादाजी सेम. अच्छा, सो सब टॉपिक के लिए आए हैं. बट जैसे इन्होंने कहा कि कंटेंटमेंट, समथिंग न्यू एंड पीस ऑफ माइंड, क्लियर माइंड. सो आज के डेट में इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं हमें? जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे वाइब्रेशंस, हम सराउंडेड है बहुत सारे तरंगों से, तरंग करेक्ट वाइब्रेशन, और बहुत सारे साउंड्स. और इसमें से क्या हो रहा है, हमें हमारी जो अंदरूनी साउंड है या अंदरूनी नाद, नाद जो है वो हम पकड़ नहीं पा रहे. करेक्ट. बट जैसे ही हम हमारे इल साउंड्स या जो साउंड्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर वो हम स्टार्ट करें क्लियर करने के लिए, सो कुछ तो संभावना है कि हम हमारे जो अंदरूनी नाद है उसको पकड़ पाए. और यही जो नाद है, हमारे एंशंट योगीज, ऋषि मुनीज, सेंट, स्पेशली जो संत परंपरा है, उन्होंने इस नाद को पकड़ लिया. और जैसे हम इस नाद को पकड़ते हैं, हमारा जो माइंड है, हमारे जो बॉडी है, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब कैसे एनर्जी, वो बहुत तरक्की करने लगता है. योगा मीन्स व्हाट? शायद से सबने पढ़ा तो होगा विकिपीडिया पे, या फिर बहुत सारे सेशन जो यूट्यूब पे देखते हैं, वो तो क्लियर कट बोलते हैं कि योगा इज नथिंग बट द यूनियन. करेक्ट, ये तो सबने सुना होगा. योग कम्स फ्रॉम द वर्ड योग, मीन्स टू यूनिफाई. बट हाउ टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, ये अनुभव कैसे हम कर पाएंगे? तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं अनुभव करने के लिए, मगर सबसे जो हम बोल सकते हैं पावरफुल या एडवांस जो है वो है नाद, साउंड. और आज यहाँ पे ये जो हम 6 जन या 10 जन आए हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि हमने सिर्फ ये टॉपिक पढ़ा और आ गए. करेक्ट, समथिंग हैपेंड एंड दैट, जो समथिंग हैपेंड को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेशन, रेजोनेट. कभी नाम सुना है, शब्द सुना है, रेजोनेट? तो रेजोनेट मतलब कैसे, जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम डिप्रेस्ड है तो हमें डिप्रेशन की ही वाइब्रेशंस हम अट्रैक्ट करते हैं. या अगर हम इंटरनली डिस्टर्ब्ड है तो हम किसको अट्रैक्ट करेंगे? डिस्टर्बेंस को. करेक्ट, हैव यू ऑब्जर्व दिस? आपका दिन अगर बहुत ही बुरा जा रहा है, सैड जा रहा है, यू विल सी कि एक्टिविटीज आइदर दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड और द नोशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेम इमोशन और द सेम थॉट पैटर्न्स, वो बढ़ते ही जाते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज हम वो वाइब्रेशंस में आ गए. सो हम वो नाद को पकड़ लिए. और इसमें दो तरीके नाद होते हैं, एक तो अंदरूनी और एक बाहर, मतलब बाहर का, आउटर एंड इनर. तो कैसे होता है, लाइफ टाइम मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है लोगों के साथ, लास्ट सिंस लास्ट 2 ईयर्स आई एम
under the guidance of my Guruji, Rivesh Vade. So, मैंने देखा है, right from age of 15 to age of 75 people, कि अगर जो लोग खुद के नाद को नहीं पकड़ पाते, वो सिर्फ बाहर की दुनिया में ही उलझ जाते हैं, outer world में ही. Yes, inner, they cannot explore their own self. Correct. तो ये क्यों होता है? Because हमारे जो body में और हमारे जो mind है, उसमें बहुत सारे संस्कार्स होते हैं. संस्कार्स मतलब क्या? Sound के patterns, vibration के patterns. ये अलग-अलग तरीके के patterns हमारे body में या mind में store होते हैं. नाद means the inner sound. Correct. जैसे कि आपका heartbeat का sound है. Correct. वो बहुत कम क्षणों के लिए हमें याद आता है. करेक्ट. मगर हमारा अगर आप क्वांटम फिजिक्स या नया साइंस हम देखते हैं, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स देखते हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि सभी वाइब्रेशंस है, हमारा डीएनए वाइब्रेट कर रहा है, इवन द प्लैनेट्स आर वाइब्रेटिंग. मगर क्या हमने इनर वर्ल्ड को जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको हमने एक्सप्लोर किया है? बहुत क्वचित, बहुत दुर्लभ, वेरी रेयर. और ये रेयर क्यों है? बिकॉज हमारे संस्कार्स और वासना, मतलब इंग्लिश में मैं वो बोले तो कैसे, स्टक पैटर्न्स. स्टक पैटर्न्स कौन से हो सकते हैं? अभी जहाँ पे फिजिकल हम प्लेन देखते हैं, तो स्टक पैटर्न्स कौन से है? डिसीज के, डिसऑर्डर के. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अभी आपको बोले कि राइट नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, विल इट बी पॉसिबल? द मोमेंट यू क्लोज योर आइज और इवन यू सिट काम, बहुत सारे बॉडी का पेन, अगर वहाँ पे चीटी भी नहीं चल रही तो भी चीटी लगने का जो इल्यूजन होता है. करेक्ट. ऑल द इल पैटर्न्स दे स्टार्ट टू कम अप. करेक्ट. हैव यू ऑब्जर्व दिस? यस, द माइंड स्टार्ट्स टू प्ले, द लोअर माइंड स्टार्ट्स टू प्ले द गेम्स विद अस. यस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस हम इसका बाद में हम डील करेंगे, बट द माइंड, लोअर माइंड हम अभी के लिए बोलते हैं. और फिर ऐसे ही हमारे मेंटल और इमोशनल पैटर्न्स भी होते हैं. जैसे कि इमोशंस कैसे, द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ द होल ह्यूमन रेस इज फेसिंग इज द फियर, एंगर, जेलसी, एंग्जाइटी, हेट्रेड. करेक्ट. That's what we see in the outside world. The moment we step outside of this room, we'll see people full of anger, hatred, jealousy, lust, greed. ये क्या है? ये वो नहीं है actually. उनके patterns है. The moment when we are born, we are not like that. तो फिर ऐसे क्यों ही होता है हमारे साथ? Yes, हम environment से लेते हैं. So we start to learn all these kind of patterns. हमारे actually ancestral patterns से भी आते हैं, जो हम DNA बोलते हैं, वो भी होते हैं, और environment से भी. And many people get stuck in that only. उनको anger में नहीं आना है, उनको diabetes नहीं चाहिए, but still they have it. How come? और लोगों को सब बता, internet पे सब है, योग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कितने सारे बुक्स भी है, कितने सारे ऑथर्स ने इस पे काम भी किया है, तो भी फिर वो क्यों नहीं आ रहा है हमारे जीवन में जो अनुभव होता है वो? टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ इजी, तो उसकी वैल्यू कम हो गई. पहले के लोगों को उसकी वैल्यू थी, मतलब अभी, मतलब ऐसा व्हाट आई हैव सीन कि मतलब पहले कैसा कि लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, मतलब कुछ खोज करनी पड़ती, अभी जैसा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो गया तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं. मगर तभी के टाइम पे भी उतना ही तमस था, तभी के टाइम पे भी उतना ही रजस था, तभी के टाइम पे उतने ही सात्विक गुण थे. अभी सब सिर्फ फास्ट एक्सेसिबल हो गया है, मगर द रेशियो वाज द सेम. हाउ कम? द रेशियो वाज द सेम ऑलमोस्ट. हाँ, इन टुडेज वर्ल्ड दी करेक्ट. और क्या है चैलेंजेस? ओके, हम खुद के लिए टाइम नहीं देते. फिर टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स वेरी इनसिग्निफिकेंट या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड. फिर टाइम खुद के लिए कम दे पा रहे, वी हैव टेकन. फिर टाइम खुद के लिए कम मिलता है. और क्या है इसके रीजंस? क्यों है हम इतने वासनाज, वासनाज मतलब डिजायर्स,
अनवांटेड डिजायर्स, वासनास, या फिर जो गंदगी है वो उसमें क्यों हम पड़े हुए हैं? अब ये तीन हमने देखे, और क्या है? व्हाट डू यू थिंक मैम, हम ये पैटर्न्स में क्यों पड़े हैं? इलनेसेस के, डिसऑर्डर्स के, फिर मेंटल इम्बैलेंसेस के. इफ यू डेट बैक टू लास्ट 500 इयर्स, नो वन वाज फेसिंग स्ट्रेस, नो वन वाज फेसिंग डायबिटीज. देवर मोर ऑन मेडिटेशन एंड योगा. बट तो अभी भी तो मेडिटेशन सबसे सर्च्ड वर्ड है, आपको पता है, माइंडफुलनेस. Yeah, this is good. This is a good answer. The way they used to practice, वो कुछ तो अलग था. और जो हम यहाँ पे practice कर रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने meditation के बारे में कहा, meditation, yoga और जो भी उसके subsets है, या हम कहते हैं वेद, उपनिषद, वो हम खुद से कर नहीं पाते. हम अगर खुद से पढ़ने के लिए गए तो उसमें आ जाता है इग्नोरेंस और आता है दंभ. दंभ मतलब ईगो आता है, असटल अहंकार आता है कि देखो मैं तो स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग तो नहीं पढ़ रहे. सो देन आई स्टार्ट टू कंसिडर माई सेल्फ अ नॉलेजेबल पर्सन, आई स्टार्ट टू कंसिडर माई सेल्फ अ सुपीरियर पर्सन. अगर खुद से करने जाए तो ये चैलेंज है. अगर हम खुद से करते हैं मेडिटेशन, खुद से जाते हैं सीखने के लिए, खुद से जाते हैं प्राणायाम करने के लिए, खुद से जाते हैं बहुत सारे ये टेक्निक्स करने के लिए, तो फिर उसमें क्या आता है? चैलेंज आता है. और इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, योग याग विधि तेने नोहे सिद्धि वायाचि उपाधि दम्भ धर्म. ये हरिपाठ का एक वर्स है जहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अब जितना ज़्यादा योग करते हो, जितना ज़्यादा ये रिचुअल्स में आते हो और जितना ज़्यादा विधियों में फंसते हो, तो उससे कुछ सिद्धि आपको अटेंड नहीं होती. वायाची उपाधि दम्भ धर्म, वो क्या कर रहे हैं, आपका दम्भ बढ़ा रहे हैं. और उपाधि, उपाधि मीन्स आइडेंटिफिकेशन. नॉर्मली व्हाट वी डू, जैसे कि अभी मेरा नाम यहाँ पे लिखा है, तो आई स्टार्ट टू, इफ आई एम नॉट इन अ करेक्ट योग, इफ आई एम नॉट इन अ करेक्ट मेडिटेशन, व्हाट आई स्टार्ट टू डू, आई स्टार्ट टू रिलेट माई सेल्फ विद द नेम, आई स्टार्ट टू रिलेट माई सेल्फ विद द फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स. कैन यू गेट द चैलेंज, वाई वी आर स्टक? स्टक तो है और मेडिटेशन नहीं कर पा रहे. अगर जो भी लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं वो उसमें ईगो आ रहा है. अगर आप देखोगे जहाँ पे आप पूजा करने जाते हो टेम्पल्स में, सबसे ईगोइस्टिक पर्सन आपको कौन दिखेगा वहां पे? द पुजारी. और एल्स हु विल फाइंड द मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन हु इज डूइंग वेरी मच इन टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में अगर आप देखोगे तो वही है ना. घर पे अगर आप देखोगे, अगर आपके पेरेंट्स बहुत ही रिचुअल्स में हैं, तो वही आपको सबसे ज्यादा तंग करेंगे. आपने ऑब्जर्व किया है? यस और नो? करेक्ट. तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, वायाची उपाधि दम्भ धर्म. अरे तो फिर इसका सोल्यूशन कहाँ पे है? इसका ये सब वासनाज है, ये सब स्टक पैटर्न्स है. और इवन द नाउ द इवन द न्यू साइंस विच इज द एपिजेनेटिक्स टेल्स अस कि हमारे जो जीन्स है वो एनवायरमेंट से चेंज होते हैं. साउंड, लाइट, फूड, द वे वी बिहेव इन सर्टेन एनवायरमेंट, उससे हमारे जीन्स चेंज होते हैं. बट एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, द नॉर्मल जेनेटिक्स दैट यूज टू टेल कि हमारे डीएनए या फिर हमारे जो पैटर्न्स है वो चेंज नहीं होते हैं. बट एपिजेनेटिक्स नाउ टेल्स आर पैटर्न्स कैन बी चेंज्ड, द वेरी डीएनए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स और दी उसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट. बट दी चेंज, मतलब जो चेंज होने वाला है डीएनए के पैटर्न्स में, वो चेंज हो सकता है. बट द सेम थिंग हैज़ बीन टोल्ड अस सिंस द लास्ट 10,000 ईयर्स, 20,000 ईयर्स, फ्रॉम द वेदास एंड द उपनिषद्स, फ्रॉम द एकेडमिक्स ऑफ योगा. ये तो बता ही जा रहे हैं, मगर वो आज के डेट में क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज आपको सबसे बड़ा आंसर देता हूँ, जो हम कंटेंटमेंट के लिए हम नहीं बढ़ पा रहे आज के डेट में, तो वो क्यों है? बिकॉज हम बोध में नहीं है. बोध, बोध मीन्स अवेयरनेस. ये जो तीन टॉपिक्स हमने लिए हैं, अवेयरनेस, लव एंड वेलबींग, ये तीनों हम आज डीपर एस्पेक्ट में हम देखेंगे. एंड विद इन 40 मिनट्स यू विल बी एबल टू क्लियर कट गेट, क्लियर कट आपको समझ जाएगा. आपको इंटरेस्ट है उसमें? बोध में. बिकॉज
अगर आप देखोगे आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से हम घिरे पड़े हैं मगर तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है. कैन यू सी द चैलेंज? कितना सारा मतलब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बट द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ नॉट हैपनिंग. द काइंड ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतना अच्छे से बढ़ना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है बिकॉज मैक्सिमम परसेंट वी आर लिविंग इन अबोध अनअवेयरनेस. नो अवेयरनेस इज नॉट द अलर्टनेस, मतलब वो जागरूकता नहीं होती है. अवेयरनेस मतलब क्या होता है? बोध. बोध इज अ वेरी डिवाइन वर्ड. जिसके अंदर बोध आ गया वो एक बोधी हो गया और जो बोधी होता है वो बुद्ध होता है. जिसके अंदर बोध आ गया वो एक बोधी व्यक्ति हो जाता है, अ सिद्ध पुरुष. मगर वो सिद्धि तक आने के लिए क्या लगता है आपको? एक गुरु लगता है, अ मास्टर हु हैज अटेंड, अ बोधी व्यक्ति. उसने ये देखा है, उसने अनुभव किया है और वो इस परे इससे परे चले गए हैं ऐसे बोधी व्यक्ति के पास. मगर आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं, वो भी है ना, तो फिर चैलेंज कहाँ पे है फिर? अभी वो अभी हम कभी गुरुज को चूज ही नहीं कर सकते, द गुरु चूजेस अस. हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? करेक्ट. व्हेन वी आर रेडी द मास्टर कम्स. सिमिलर वॉज द केस विथ माई सेल्फ. राइट नाउ आई एम कम्प्लीटिंग माई इंजीनियरिंग एंड आई एम लर्निंग क्लासिकल वोकल सिंस लास्ट 10 to 12 ईयर्स. आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड आई समहाउ डिसकंटिन्यूड इट बिकॉज द एनवायरमेंट विच आई वॉज ग्रोइंग दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग इट. सो आई थॉट अरे ये क्यों करना है, इसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है. बिकॉज तभी मैं कहाँ पे था? अबोध में था. तभी मेरी क्या थी? मेरे वासनाज, मतलब क्या, मेरे अनवांटेड डिजायर्स कि मुझे फेम चाहिए, मुझे लोगों के सामने सिर्फ दिखाना है, मुझे दिखाना है मेरे को. करेक्ट, वो था. और इसलिए आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल द EDM और बींग अ डीजे. सो आई स्टार्टेड डीजेइंग, आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग म्यूजिक एंड आई यूज टू परफॉर्म इन ऑल द टॉप क्लब्स इन मुंबई. आई यूज टू परफॉर्म टिल 3 AM इन द नाइट. एंड मेरा मतलब जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट कंपनीज थे उनके साथ टाइप भी हो चुका था. सो आई यूज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 800+ पीपल एज वेल सिंगल हैंडेडली. मगर तभी मैं परफॉर्म कर रहा था, तभी मुझे प्रिटेंड बहुत कर रहा था. मैं लोगों को दिखा रहा था सिर्फ, अरे देखो देखो मेरे पास क्या है, अरे देखो मेरे पास कितना टैलेंट है, अरे देखो मेरे पास कितना ये है, कितना वो है. दैट्स वॉट वी आर डूइंग, राइट? देखो मेरे पास कितना घर है, देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरे पास कितना नाम है, देखो मेरे पास कितना पावर है. करेक्ट. एंड द मोमेंट वी स्टार्ट टू फोकस ऑन दिस थिंग्स, फोकस ऑन दी उपाधिज, ऑल दी आइडेंटिफिकेशन, ऑल दी फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स, तो हम क्या होते हैं? हम खुद से परे हो जाते हैं, खुद से लॉस्ट होते हैं, खुद को कभी फिर टच नहीं कर पाते हैं. खुद की जो इनर प्रोसेस है, इनर जर्नी है, जो कंटेंटमेंट है, वो हम पकड़ ही नहीं पाते. एंड दैट वॉज द केस विथ मी. सो आई वॉज ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इन सक्सेस, लोगों को लग रहा था वो सक्सेस है बट फॉर मी इट वॉज नॉट. दैट इज वॉट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. करेक्ट. पीपल आर थिंकिंग अरे ये करके मुझे सक्सेस आएगी, अरे वो करके मुझे सक्सेस आएगी, शायद से ये डिग्री करूँ तो ये सक्सेस है, शायद से वो करूँ तो ये पैसे है, शायद से ये करूँ तो ये फेम है. करेक्ट. अरे मुंबई में मुझे घर होना ही चाहिए तो ही मेरी लाइफ सेटल है, अरे मुझे ऐसी वाली वाइफ चाहिए या ऐसे वाला हस्बैंड चाहिए तो बस यार लाइफ इज सेटल्ड, शायद से मुझे इतने पैसे चाहिए तो आई थिंक आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल, या फिर मुझे ये इस तरीके का डिसीज कभी होना ही नहीं चाहिए. मगर ये क्या है? हमारे हाथ में है. व्हेन वी रियली थिंक फ्रॉम अ वेरी सूक्ष्म या सटल परसेप्शन, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है. तो किस में हाथ पे होता है? ये हमारे अवेयरनेस के पास, हमारे बोध के पास. मगर हम बोध को छू ही नहीं पाते. दैट वॉज हैपनिंग विथ मी. बट वॉट हैपन्ड सडनली when I was performing one day, suddenly मैंने देखा लोग मेरे सामने इतने डांस कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आए थे. ड्यूरिंग द क्लब टाइम दे वर वेरी हैप्पी बट when I used to see them in the college, they were very depressed. They were into very kind of an addictions.
और मुझे लग रहा था अरे मैं तो लोगों को बहुत हैप्पीनेस दे रहा हूँ ये म्यूजिक के माध्यम से. इट वॉज नॉट हैपनिंग. सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड यू नो सडन अर्ज केम ये सब छोड़ देते हैं ये क्या है यू नो. अ सडन हिट केम अ सडन एक छोटा चुटकुला बोलते हैं ना हम एक छोटा सा दाना छोटा सा वो दैट स्टार्टेड हैपनिंग. थोड़ा सा बोध आ गया तभी मैंने देखा ये तो मैं कुछ कर रहा हूँ ये तो अभी के जो ह्यूमन नीड है वो तो नहीं है. करेक्ट. एंड दैट्स वेयर द सडन अर्ज ऑफ मेडिटेशन केम इन. एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई सर्च्ड कॉन्शियसली कि मुंबई में कुछ मतलब मेरे ही सेल्फ एक्सप्रेशन से मैं कुछ अलग कर सकता हूँ क्या. म्यूजिक तो है वो तो था ही मगर अलग कुछ हो सकता है क्या. म्यूजिक थेरेपी. बिकॉज म्यूजिक थेरेपी ऐसा क्यों मैंने सर्च किया या साउंड थेरेपी बिकॉज बहुत सालों से मैं म्यूजिक तो सीख रहा हूँ और मेरे गुरुओं ने कहा था कि इससे राग चिकित्सा होती थी. पुराने ज़माने में लोग सिर्फ साउंड के माध्यम से लोग हील होते थे. तभी मुझे लगा अरे ये तो कुछ भी टाइम पास है. या तानसेन जी की हमने स्टोरी सुनी है व्हेन ही यूज्ड टू सिंग द दीपक राग द लाइट्स जो दियाज है वो जलते थे. या फिर मेघ मल्लार तभी बारिश गिरती थी वो तो होता ही था मगर उसका सटल परसेप्शन एक भी है. म्यूजिक थेरेपी के आज हम टॉपिक जैसे चूज किया है तभी तानसेन जी दीपक राग भी गाते थे. जो भी लोग वो दरबार में बैठते थे उनकी बॉडीज फर्स्ट ऑफ ऑल तानसेन जी की खुद की बॉडी ऐसी हीटअप होती थी. ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हम पित्त कहते हैं ऑल द फायर बेस्ड एक्टिविटीज दे यूज टू राइज अप. Temperature of the place used to rise up and due to that temperature rising up the friction was happening of the particles and that's why the lights used to lighten up. तो वैसे होता था. तो आप देखोगे हमारे लाइफ में साउंड का बहुत इम्पैक्ट होता है. अगर हमने डिस्टर्बेंस के साउंड सुने तो हम डिस्टर्ब होते हैं. ये ट्रैफिक की नॉइज है. अगर वही सुनते रहते दिन भर तो हमें देखो आप एंग्जाइटी में आ जाते हो. अगर हमने डिप्रेशन के ही साउंड सुनने लगे तो हम बनते हैं डिप्रेस्ड. दैट इज व्हाट द स्पंद शास्त्र सेज. स्पंद शास्त्र स्पंदन मीन्स शास्त्र मीन्स अ साइंस द साइंस ऑफ डिवाइन वाइब्रेशंस. और अभी क्वांटम फिजिक्स वो साइंस के यहाँ पे आ रहा है द स्पंद शास्त्र पे. तो अगर हमारे लाइफ में बोध नहीं है तो हमारे लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है. करेक्ट. तो मैं खुद को देख रहा था कि इतना सब कर रहा हूँ मगर मेरे लाइफ में कुछ तरक्की तो नहीं हो रही है जितना चाहिए था उतना. एंड आई सर्च्ड साउंड थेरेपी एंड द फर्स्ट नेम केम वाज माय मास्टर्स नेम रिवेश वदे. एंड इट वाज लाइक अ मैग्नेटिक पुल. जैसे कि शायद से यहाँ पे हुआ होगा एक पुल आया होगा कि चलो आज ये करना ही है. ये तो 3:30 बजे कौन आता है इतना. दैट्स ऑल्सो ऑन अ फ्राइडे डे फ्राइडे के दिन पे. करेक्ट. ऐसे नहीं है कि आप लोग फ्री हो इतने. यू हैव सम थिंग्स इन योर लाइफ बट देर वॉज अ काइंड ऑफ अ पुल. और ये पुल मेरी तरफ नहीं है. आई एम जस्ट अ मीडिएटर राइट नाउ. ये पुल है वो तत्व की तरफ वो बोध की तरफ वो गुरु की तरफ. एंड गुरु इज नॉट अ जस्ट अ सिंगल पर्सन. गुरु इज अ सेट ऑफ वाइब्रेशंस. ऐसे हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसके तत्व होते हैं तत्व. तो उसको वो वाइब्रेशंस के साथ अगर हम ट्यून हो गए तो वो हमें आने लगता है. इसलिए अभी गीता जयंती है 8 दिसंबर को. तो वहाँ पे क्या कहा है गीता जो लॉर्ड कृष्णा वो क्या बोलते हैं अगर मुझे समझना है गीता को तो मुझे पढ़ के या पढ़ के नहीं समझिए मुझे तत्व से समझिए. तत्व ज्ञान तत्व दर्शन मीन्स वॉट वाइब्रेशंस को अब ट्यून हुई है. करेक्ट. कुछ समझ रहा है. करेक्ट. अगर हमारे अंदर डिप्रेशन है तो हम किसको ट्यून करेंगे डिप्रेशन में. अगर हम इलनेसेस के साथ घिरे हुए हैं तो हम किसके साथ ट्यून होंगे इलनेस. अगर हम हैप्पी है तो क्या हैप्पीनेस के साथ. मगर हम सच में हैप्पीनेस को ट्यून कर पा रहे हैं अभी नहीं. क्यों नहीं कर पा रहे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर अबोध है और क्या है बहुत सारे अनवॉन्टेड फ्रिक्वेंसीज है जो हम क्या बोलते हैं संस्कार्स. और बहुत सारे अनवांटेड डिजायर्स है वासनाज है. और इसको ही कम करने के लिए है साउंड थेरेपी. मीन्स व्हाट. अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे ऊपर कोई आके बैठ सकता है यस और नो. नहीं बैठ सकता राइट. तो अगर मेरे अंदर डिसीज के वाइब्रेशंस है तो
तो मेरे में ईज के वाइब्रेशन आ सकते हैं क्या, हेल्थ के वाइब्रेशन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो ये इस वाइब्रेशन को हमें निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों मुनि ऋषियों ने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स और टूल्स बनाए, योगा के टूल्स बनाए, मेडिटेशन के टूल्स बनाए, ये रिचुअल्स के टूल्स बनाए। मगर इसके साथ वो ट्रैप भी हो गया कि जितना ज़्यादा हम रिचुअल्स में भी फंसते उतना ज़्यादा हमारे में वो अहंकार भी बढ़ता है। मगर अगर हम एक राइट मास्टर के गाइडेंस में है तो फिर वो रिचुअल्स एक लाइफ बन जाती हमारी। करेक्ट, संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोलते हैं कि ये जो योग है वो सहज होना चाहिए, समृद्ध प्रोसेस होना चाहिए और वो आपके लाइफ में परिपूर्णता लाना चाहिए। मीन्स व्हाट? कंटेंटमेंट। आयुर्वेदा डिफाइन्स द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। डू वांट टू लिसन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ राइट नाउ? एलोपैथी क्या जो भी लिमिट वाली मेडिसिन है वो कहती है एब्सेंस ऑफ डिसीज। मगर हम खुद को कभी कंसिडर कर पाते हैं एब्सेंस ऑफ डिसीज में? हमारे तो बहुत है। तो आयुर्वेदा स्टेट्स सम दोषा मीन्स व्हाट? इक्वल स्टेट ऑफ दोष। दोष मीन्स हमारी एनर्जीज। इक्वल स्टेट ऑफ धातुज मतलब इसके टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, लेयर्स होते हैं टिश्यूज के। देन सम अग्नि, सम अग्नि मीन्स व्हाट? बैलेंस स्टेट ऑफ फायर। इसमें फायर में कैसे है? डाइजेशन की फायर है, हमारे ज्ञान अग्नि है, हमारे सेक्सुअल फायर है। करेक्ट, वो भी बैलेंस होना चाहिए। फिर आगे जाके बोलते हैं आयुर्वेद कि हमारे जो मल है, एक्सक्रीशन फैक्टर्स, वो भी बैलेंस्ड होने चाहिए। और फिर उसका नेक्स्ट स्टेट आता है, वो बोलते हैं आपके जो सेंसेस है वो बैलेंस्ड होने चाहिए और आपके माइंड, द बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, द बैलेंस स्टेट ऑफ इमोशंस एंड द मेंटल थॉट्स, एंड देन यू आर अ हेल्दी पर्सन। सो एज पर आयुर्वेदा आर वी हेल्दी? नॉट इवन 1% आज के डेट में। और आज के डेट में हमें इतने सारे एक्सटर्नल नॉइज हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम खुद की नॉइज या खुद के नाद को पकड़ ही नहीं पा रहे, खुद के फ्रीक्वेंसी को। एंड दैट्स वाई द साउंड थेरेपी, बिकॉज व्हाट साउंड थेरेपी डज इज बाहर के साउंड से हमारे जो इंटरनल डिस्टर्ब्ड साउंड्स है, इंटरनल डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशंस है, वो हटाता है। एंड राइट फ्रॉम स्ट्रेस टू कैंसर वी हैव रिजल्ट्स विद द साउंड थेरेपी। अब डायबिटीज कह लो, हाइपरटेंशन कह लो। सो सर्टन साउंड्स, इफ यू सी दिस टूल, सो मेनी पीपल मस्ट हैव सीन दिस टूल। हैव यू एवर सीन दिस? क्या बोलते हैं इसको? सिंगिंग बोल बोलते हैं, या टिबेटियन सिंगिंग बोल, या हिमालयन सिंगिंग, बट इट्स नॉट दैट। मेनी पीपल स्टिल थिंक इट्स टिबेटियन, बट इट्स नॉट टिबेटियन। इसको कहते हैं घोष कुंडी। ज्ञानेश्वर महाराज इसको बोलते हैं घोष कुंडी या घोष पुष्प। और ये जो टूल है, टूल भी हम बोलने सकते हैं, आई एम यूजिंग अ वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट वर्ड एक्चुअली फॉर इट। इट्स अ वेरी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइन एनर्जी एक्चुअली। और आज के डेट में इसको किसी को सोर्स ही नहीं पता, मगर इसका सोर्स है ज्ञानेश्वरी में, ज्ञानेश्वरी में। और इसको इन्वेंट ही किया है नाथ संप्रदाय ने। नाथ परंपरा इज अ काइंड ऑफ अ गुरु शिष्य परंपरा, अ लीनिएज ऑफ योगीज। कभी गुरु गोरक्षनाथ आपने नाम सुना होगा, नाम सुना है गुरु गोरक्षनाथ? तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे टूल्स बनाए, साउंड से, लाइट से, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेथ वर्क के साथ। हार्ट योगा उनका ही इन्वेंशन है। करेक्ट, सो ऐसे बहुत इन्वेंशन हमारे योगीज ने और हमारे संतों ने किए, उसमें से ये एक है। और आपने बहुत सारे बुद्ध के स्टैचूज पे भी देखे होंगे कि वो एक उनके नाभि के यहाँ पे वो बोल पकड़ते हैं, ने देखा होगा। करेक्ट, तो ये वही है। इसको घोष पुष्प बोलते हैं या घोष कुंडी। घोष मीन्स अथॉरिटी, कुंडी ऑथर द वाइब्रेशंस ऑफ एन अथॉरिटी, द वाइब्रेशंस ऑफ अ डिवाइन अथॉरिटी। और कुंडी मीन्स अ बोल। घोष नाद कभी सुना होगा, शंख का नाद कैसा होता है? घोष देने वाला। जैसे हम टेम्पल, इसको अगर हम इन्वर्ट करते हैं ना, तो वो टेम्पल बेल के जैसे दिखता है। आपने देखा इसको? अगर इसको सिर्फ उल्टा कर दें हम, डज इट रिसेम्बल अ टेम्पल बेल? करेक्ट और नॉट? सो वही है। सो द साउंड, अगर आपने ये देखा वाइब्रेशंस, इफ यू सी
किसका साउंड या सिलेबल ये क्रिएट कर रहा है, कर पा रहा है? What is it saying, trying to say? Om. Correct. It's creating a sound of a nad of Om. The rimming ones. Correct. Very true. ये है सिर्फ दो metals हैं. ये handmade है. ये consecrated है. और जो हमें the metal is important. The copper and tin that we use, that is important. And that is also the same color. I don't know what is the color. Correct. So first of all, metals jo use hote hai, wo, as per the Ayurveda, it has been made. Rasha Shastra. Correct. Aur uske aage hota hai ki kon de raha hai hame? Kon de raha hai? Uska consciousness travel hota hai. Kon de raha hai? Agar ek vyakti business aur greed ke liye de raha hai, तो वो हमारे में ट्रांसफर होता है. मगर एक व्यक्ति आपको अवेयरनेस की तरफ, आपको लव की तरफ, प्यार की तरफ और आपके समृद्धि की तरफ दे रहा है, तो वो आप में ट्रांसफर होता है. वी टेस्टेड इन द लैब जो हम बनाते हैं, और फिर इसको एक कॉन्सेक्रेटेड प्रोसेस होता है जहाँ से हम इसको गो थ्रू करते हैं. एंड दैट्स वाई दे काइंड ऑफ बिकम चार्ज्ड. They become divine, because metal तो ऐसे ही metal होते हैं. Then what's the difference? Correct. आपने कभी ये story सुनी है शिवाजी महाराज और रामदास महाराज की? जो मराठी उनको बता होगा, कभी सुनी है? रामदास महाराज बताए आपको, शिवाजी महाराज तो सुना ही होगा. तो उनके spiritual guru थे जिन्होंने उनको ये स्वराज स्थापित करने के लिए guide किया था. Correct. तो उन्होंने क्या गिफ्ट किया पता है? नाउ शिवाजी महाराज वॉज अ ह्यूज वॉरियर. करेक्ट. उनको क्या गिफ्ट, क्या लगता है आपको क्या गिफ्ट करना चाहिए एक वॉरियर को, अ काइंड ऑफ अ किंग को? स्वॉर्ड दिया चाहिएगा, ये करेक्ट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच विल बी यूज्ड इन द बैटल फील्ड. मगर उन्होंने क्या गिफ्ट किया पता है? हॉर्स शू. और वो भी बहुत रस्टेड, बहुत पुराना हो चुके वाला हॉर्स का शू, जो उनके घोड़े में भी वो लगा नहीं पाएंगे, इतना पुराना हॉर्स शू. और तभी उनको वो दक्षिणा देते वक्त ऐसे वाइब्रेशंस उसके अंदर मतलब डाल दिए कि जैसे शिवाजी महाराज को मिल गया, दे बिकम एनलाइटेंड. ही स्टार्टेड टू बिकम ग्रोइंग टुवर्ड्स द राइट काइंड ऑफ अ स्वराज. ये पॉसिबल है. करेक्ट. वी फ्रॉम द इंडियन सिस्टम, फ्रॉम दिस भूमि, दो तरीके की यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है. फर्स्ट इज द वे वी हैव ऑल एक्सपीरियंस, मतलब कैसे कि हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज में और सीखते हैं. अ टीचर कम्स और अ डॉक्टर कम्स एंड ही पासेस ऑन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. बट इसका सेकेंड लेयर है, वो कौन सा है? एनर्जीज का, जहाँ पे आप सिर्फ वो गुरु के सामिध्य में बैठते हो एंड ही जस्ट लुक्स यू इनटू योर आई. वो आई को देखने की भी जरूरत नहीं, बट ही जस्ट सिट्स एंड यू स्टार्ट टू डाउनलोड एवरीथिंग. एंड दैट इज व्हाट द उपनिषद स्टेट्स. उपनिषद का मीनिंग ही है कि यू सिट बिसाइड अ राइट मास्टर एंड यू स्टार्ट टू डाउनलोड. क्या ये पॉसिबल है? ये क्या ये एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है? ये पॉसिबल है. कभी पॉसिबल? यस, शक्तिपात बोलते हैं इसको, शक्ति चलन, शक्तिपात. सिद्ध परंपरे की एक खासियत होती है, नाथ परंपरे की, शक्तिपात करते हैं. सो तभी ये होता है, तभी आपके अंदर बोध आता है, तभी आप राइट गुरु के साथ बैठते हो, तभी आपके अंदर बोध आता है, आपके अंदर अवेयरनेस आता है. अवेयरनेस आज के डेट में इतना शब्द लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं. आपको ये बोध की भाषा बताता हूँ. क्या है बोध? मतलब मेरे शरीर में क्या चालू है फर्स्ट, मेरे मन में क्या चालू है और मेरे चित्त में क्या चालू है, ये सब आपको आप देख पाते हो. एक साक्षी भाव आता है जो गीता बोलती है दिव्य चक्षु. मीन्स वॉट? आपको एक विटनेसर बना देती है, आपकी लाइफ को विटनेस. ये कॉन्टेम्पलेट या थिंकिंग करने की बात नहीं है, ये अनुभव ही होता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट सम वर्ड्स. ये अनुभव ही होता है और आपको आ जाता है. आज यहाँ पे आए हो ऐसे ही रीजन के लिए नहीं आए हो, वो हम कनेक्ट करेंगे गुरु तत्व के साथ.
सो हमें साउंड थेरेपी क्यों करना है या जो भी आज के डेट में जो मेडिटेशन है या नाद योग है योग है वो क्यों है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिलीज द डेंस वाइब्रेशंस, टू रिलीज द संस्कार्स, टू रिलीज ऑल द वासनास, करेक्ट, स्टक पैटर्न्स हम बोलते हैं फिजिकल इमोशनल मेंटल, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू क्लियर आउट हम बढ़ते हैं अवेयरनेस की तरफ, बोध की तरफ और वेलबींग की तरफ. नहीं तो वेलबींग एक सिर्फ कंसेप्ट होता है. सो एक बोध अवेयरनेस, और जैसे ही आप ये डेंस एनर्जीज को रिलीज करने लगते हो तो आपके अंदर आता है अंदरूनी नाद. ये होती है बिगिनिंग ऑफ अ नाद योग. People still think nad yoga is this or listening to some sounds. It is not. People still think sound therapy and music therapy is same. It's not. People still think by listening any kind of rag, the health benefits are there. Because आज के डेट में हमें ऐसे WhatsApp आ रहे हैं और ऐसे Google पे information है कि वहाँ पे बता रही है आप ये राग सुनो तो आपको ये disease आप cure करोगे. मगर ऐसा नहीं है. वो राग कौन गा रहा है उसका consciousness आपके अंदर आता है. तो एक व्यक्ति अगर वैद्य ही है, एक व्यक्ति वो अटेंड है विजडम के, अगर वो गाए तो आपके अंदर वो रिलीज होने लगता है. इसलिए अगर आप देखोगे हर कोई तानसेन नहीं बन सकता, बिकॉज तानसेन वॉज एन एनलाइटन मास्टर. ही वॉज एन एनलाइटन मास्टर हु स्टडीड अंडर हिज गुरु फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड दैट्स वेयर जो भी वो गाते थे वो मैनिफेस्ट होता था, बिकॉज उनमें वो बोध आ गया था, वो एनलाइटेंड की तरफ थे. तो वैसे ही हमारे अंदर ये जो डेंस एनर्जीज रिलीज होंगे, और अगर तभी आप फिर कुछ भी गा रहे हो तो आप में अंदर आपके अंदर एक शांति आती है, आपके जो माइंड है वो स्टार्ट होता है रिलैक्स होने के लिए. नहीं तो अभी माइंड किससे घिरा हुआ है, बाहर बाहर के सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ, करेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट्स के साथ ही अभी तक उलझा हुआ है. एंड दैट इज वाई तभी हम मेडिटेट करने बैठते हैं तभी वो तंग करता है, करेक्ट, तभी ऐसे वो विचार लाता है, ऐसे वो इमोशंस बाहर लाता है, और बॉडी में जब भी पेन नहीं था वो पेन लाता है बाहर, करेक्ट. मगर तभी हमें एक राइट गुरु के सामिध्य में हम आते हैं तो मेडिटेशन ऑटोमेटिक होता है. आज के डेट में मैंने हेल्थ टॉक्स में भी देखा है इतने सारे लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, करेक्ट, इतने सारे राइट नाउ अराउंड द वर्ल्ड माइंडफुलनेस का ऐसा बिजनेस चालू है स्पिरिचुअलिटी का. मगर आपको एक सबसे गुड न्यूज़ देता हूँ कि आप मेडिटेशन कभी सीख नहीं पाओगे, आप कभी योगा सीख नहीं पाते हो, और कभी आप स्पिरिचुअलिटी सीख नहीं पाते हो. अगर आप खुद से सीखने गए तो वो आता है दंभ. तो फिर ये क्यों है योगा, फिर क्यों, कैसे फिर आप करोगे मेडिटेट? इसका सीक्रेट है गुरु के प्रेजेंस में, राइट मास्टर, वन हु हैज अटेंड लाइव. गुरु गीता कहती है लाइव फिजिकल मास्टर. यू कैन कंसिडर एन नंबर ऑफ गुरुज, बट करेक्ट करेक्ट है. यस, एनर्जी सेंटर्स, यस करेक्ट, कुछ तो होना चाहिए. वेरी ट्रू. यू से particular place which you call as energy center, with that guru, some people who have seen that guru and followed him when he was alive, but people who are going now, he is no more. Mm-hmm. And the people who have seen him, wo unke experiences batate hai ki yes, life mein bahut happiness aa gaya. Mm-hmm. Correct. So you think the persons who are going new should not follow that guru? Wo unko to follow karna hi chahiye. Only the yes. Live guru? करेक्ट, उनको तो फॉलो करना ही चाहिए. आप एन नंबर ऑफ गुरुज को फॉलो कर सकते हो, मगर आपको एक कंडीशन लगाई. हाँ हाँ, फॉलो ओनली वन पर्सन. हाँ हाँ, डोंट फॉलो 10 गुरुज, फॉलो ओनली वन गॉड, बिकॉज़ एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन एनर्जी. हम्म, ये स्वरूप है सबके. करेक्ट है. हाँ हाँ, भगवान है. हाँ हाँ, नथिंग बट यस, हम उनके ही अंश है. ज्योत और अंश. यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वन 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 व्हाट दे कॉल इज अग्नि. Mm-hmm. Is a fire.
But if you concentrate sunlight on different, that particular thing will not burn. तो इसमें कैसे है? यस यस करेक्ट करेक्ट मंत्र बोलो. आई विल टेल. यस यस एवरीथिंग फाइनली गोस टू. यस यस करेक्ट. वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन पर्टिकुलर ऑलमाइटी. यस करेक्ट वेरी ट्रू. नॉट यस यस कंसंट्रेट योर सनलाइट ऑन वन स्पॉट सो दैट इट बर्न्स. करेक्ट लाइट यस 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 सो ओनली वन मंत्र वन गुरु. वो तो है ही है. यस यस वो तो है. करेक्ट शिरडी के साईं बाबा है. आपको एक पाथ देखना है आपके लिए जो पाथ करेक्ट है. आपको इंट्यूशन आ जाती है ये पाथ मेरे लिए करेक्ट है. यस आपको सिग्नल्स आते हैं. देन यू स्टार्ट टू फॉलो दैट. मगर उसके फॉलो क्या करते हैं फिर लोग, जैसे कि हमने स्टार्ट ही किया दम्भ में आते हैं. अरे मेरा ही गुरु महान, मेरा ही भगवान महान, मेरा ही एरिया का गणपति सबसे बड़ा. यस यस करेक्ट. वो है, वो तो एक है. आपको एक ही पाथ फॉलो करना है. मगर somebody who is following and want to achieve in spirituality, asking from that, एक जीवित गुरु आपको रखना ही है. वो जीवित गुरु आप अगर वो संप्रदाय से कनेक्टेड भी नहीं है तो भी चलेगा. यस एक जीवित गुरु चलता ही लगता ही है. यस फिजिकल प्रेजेंस इज अ मस्ट. नो वो तो उनको इग्नोर नहीं करना है. मिडल वे चूज करना है. मतलब यस यस करेक्ट. यस 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 करेक्ट करेक्ट. यस यस करेक्ट. यस यस गुरु गीता क्लियरली डिफाइन करती है कि जीवित गुरु चाहिए हमें, तो ही वो हो सकता है. नहीं तो फिर हम लॉस्ट हो जाते हैं फिर. करेक्ट. फॉर फ्रॉम इट आई एम बीइंग फॉलोइंग दिस फॉर द लास्ट 2 इयर्स एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई केम हियर ओनली टू फाइंड आउट बिकॉज़ आई एम आल्सो एन इंजीनियर फॉर माय सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. करेक्ट. टू कैलाश मानसरोवर आल्सो फॉर दैट रिसेंटली ओनली फॉर दिस. ओके. And now I'm going this Narmada Parikrama also. Achha. February. So I want to find out this answer, ki what is that source. Okay. आपको एक interesting interesting within or outside. गुरु तत्व दो है. Yes, yes, I will. I get up at 4:30 morning, I do meditate. And it transformed me a lot. I have been Vipassana also. That's why I'm asking very specific question. Yes. Now I'm been following a guru where I got all these signals. I was in material life. Okay. What you said is happiness is the difference between happiness and joy. Joy is something which you can purchase. As you said, when you are DJ, your friends, they were joyful at that time. Correct. Happiness is internal. It is eternal. Yes. Joy is external. And it is instantaneous. You can purchase. Happiness you cannot purchase. Correct. Joy you can purchase. Yes. So there is a difference between joy and happiness. क्या ये सब ये सुनिए. ये बिकॉज ये इनके लिए नहीं बोल रहे, ये सबका है. ये सबका एक ही क्वेश्चन है. क्या ये अल्टीमेट क्वेश्चन है? ये अल्टीमेट आज आधे घंटे में आपको सब आंसर्स मिल सकते हैं. सो ये जो बोल रहे हैं आप सबकी तरफ से बोल रहे हैं. सब यही फेस कर रहे हो ना? करेक्ट. यस प्लीज कंटिन्यू. यस दिस आई गॉट बिकॉज अभी मैं टीवी पे अस्ताचली नहीं देखता. हाँ सो nobody has knowledge, nobody knows why we are here and what is our purpose and who is that source. Nobody knows. Both log claim karte mere ko malum hai, kisi ko kuch malum nahi hai. Okay, sab apna apni theory de rahe hai. So everybody has 0.01% knowledge. Now all these master keys are lost, which were there, they are all lost. I went to Kailash Manasarovar only to find out local the Shankar Bhagwan dikhta hai, ye sab dikhta hai, whether that parvat is an UFO or whatever. Correct. Okay. Then I have got one source ki what we are made is by some other planet. There are human beings. They are called as rail or I got the photo also. See, they made us by an experiment. So apart from this, तो specific question आपको क्या पूछना है? Basically मेरे को ये पूछना है, if you have that knowledge, ki what is that source which controls us? How do you get connected to that? Talking about meditation, I've been practicing, but it is very difficult to concentrate. Then people talk about cleaning your chakras. That is also a sound therapy.
they say that you, some people they say ki om om bolo, you look at the chakras, muladhara to sastra, om 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 bolte par ek minute tak. Then somebody says muladhara se lam se chalo ke lam, vam, ram, yam, ham or om vapas. So there are different theories and people like us get confused. Very true. I think we must really appreciate him. Yeah. Yes. Because the way he has shared the authentic journey of his own self, and we will see ki ye subject ye explore kar rahe the sabse jyada log kahan pe lost hote bataya spirituality mein. Correct. So many places he has been to, so many topics he has searched on to. Correct. Magar wo contentment nahi hai. To aise agar aap bhi aapki life mein dekhoge, सब लोग एक्चुअली कंटेंटमेंट ही चाहते हैं, वो इटर्नल है, मगर फिर बीच में कहाँ पे तो चुक जाते हैं. करेक्ट. यही तो हो रहा है. बिकॉज वंस यू आर सेटल्ड इन योर ओन सेल्फ, देन यू आर बस मस्त मजे में, फिर आप फकीर बन जाते हो. करेक्ट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, टू द आंसर, शिव सूत्रा स्टार्ट करते हैं. अथ चैतन्य आत्मा. तो ये चैतन्य है, ये जो आत्मा है वो हमारे अंदर ही है, और हमारे वी आर दी, यू कैन से दी वन पार्ट ऑफ दी ऑल दी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. और वो कॉन्शियसनेस से कैसे जुड़ पाते हैं, एक गुरु के साथ. दैट इज द रियल ट्रूथ. और इसको हम कैसे अटेंड करना है, ये जो हमारे डेंस वाइब्रेशंस है वो कैसे क्लीन करने, एक तो साउंड थेरेपी भी है, मगर सबसे अल्टीमेट है सेवा. तो द मोमेंट वी आर इन अ सरेंडरेंस एंड अ सेवा, तो इसके अलग स्टेप्स अनलॉक होने लगते हैं. और ये जर्नी आपको कल, आपको मास्टर हिमसेल्फ इज अ टेकिंग अ सेशन इन विले पार्ले इन द इवनिंग, गीता बोध के ऊपर एज पर द ज्ञानेश्वरी एंड नादेवगा. सो वी विल फाइंड ऑल द आंसर्स देयर, ऑल द आंसर्स यू विल फाइंड देयर. सो आज जैसे इधर आए हो तो देखा सब्जेक्ट क्या था, वेलबींग, मगर अभी कहाँ पे गया है, कंटेंटमेंट. एंड इफ यू सी, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी कंटेंट. द कंटेंट इज एवर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एनर्जीज रेजोनेशन. करेक्ट. नाउ व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद द गुरु स्तवन, विल दैट बी ओके, सो दैट ये जो एनर्जीज हम इतने सारे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतने सारे कन्फ्यूजन है, ये हम एक बार सेटल कर दें, विल दैट बी ओके. सो अब आपके आंखें बंद कर सकते हैं, एंड वील स्टार्ट विद द गुरु स्तवन, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव सीन एवरी वन इज गोइंग टूवर्ड्स द कंटेंटमेंट. तो आई नॉट जस्ट फेस द सर्फेस, स्टार्ट विद द सर्फेस लेवल, द फंडामेंटल्स. करेक्ट. सो यू कैन क्लोज योर आईज. जस्ट एक्सपीरियंस वॉट इज हैपनिंग. Devo
Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Jai Krishna Hari, Jai Jai Ram 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 Krishna Hari, Jai Gurudev. जैसे आपने कहा कि आप खुद कर रहे थे ये सब करेक्ट और ये जो शब्द के चैंट्स है जैसे आपने कहा राम राम वाम बीज मंत्र करेक्ट वैसे हमने स्टार्टिंग से ही कहा था स्टार्टिंग से हमने क्या स्टार्ट किया कि अगर आप खुद करने जाओगे इसमें तो आप उलझ जाओगे और फिर आता है दंभ धर्म करेक्ट मगर जैसे ही आप गुरु के साथ ये करते हो गुरु के प्रेजेंस में करते हो तो ये आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं फिर आपको होता है सहज अ वेरी सिंपल ईजनेस आपकी लाइफ फिर ईज होती है और मेनी अ टाइम्स हमें जताया जा रहा है कि जैसे ही लाइफ कॉम्प्लेक्स है तो अच्छी है जताया जा रहा है हमें प्रोग्राम किया जा रहा है हमारे जेनेटिक्स को प्रोग्राम किया जा रहा है अभी आप देखोगे सिंपल लिविंग नहीं है तो जैसे ही आप आपका लिविंग कॉम्प्लेक्स करते हो तो आप में वो नहीं आता है वाइब्रेशन सब आपके खुद के डेंस कर रहे हो जड़ कर रहे हो जड़ बुद्धि करेक्ट ईजनेस नहीं है देर इज नो सिंप्लिसिटी देर इज नो फेथ देर इज नो सरेंडरेंस तो ये चार एसेंशियल क्वालिटीज है आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए और ये जैसे नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं ये इमोशंस तो हम क्या कर हम एक्चुअली हम फिर भोगते रहते हैं लाइफ लॉन्ग करेक्ट हमारे कौन से इमोशंस पे लस्ट एंगर ग्रीड जेलसी हेट्रेड और कौन से डिसीज के ये सब इमोशंस वाइब्रेशंस है तो इसमें हम रहते हैं लाइफ लॉन्ग और हमारे ये भोग हो जाते हैं फिर और जो फिर इनमें ही पड़े हैं जो फिर आइडेंटिफिकेशन मटेरियलिस्टिक सी देर इज नथिंग रॉन्ग इन मटेरियलिस्टिक मगर उसको ही सिग्निफिकेंस देना तो क्या हो जाता है फिर हम फर्ग्यू नहीं कर पाते हम कंपैशन की तरफ नहीं बढ़ते हम कहाँ पे नहीं बढ़ते सिंप्लिसिटी के नहीं जाते आप देखोगे जो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज जो ओवर डू करते हैं वही देखोगे वो सबसे ज़्यादा चैलेंज में है कैन यू नॉट सी जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपके नाम पे दे रहे हैं खुद के नाम पे दे रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ होती है हमारी लाइफ में फाइनेट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको ही सिग्निफिकेंस देते हैं फॉलोअर्स देखे मनी देखते हैं फेम लस्ट प्रिटेंड पावर तो फिर वो ईज में नहीं आ पाते वही लाइफ चैलेंज वही लोग चैलेंजेस में है और फिर सटल ईगो होता है फिर उसके बाद ईगो वो ईगो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पे कुछ नहीं रहता हम कर ही नहीं पाते अगर हम ही बोलते अरे मेरे में ईगो है तो वो भी एक ईगो है करेक्ट तो वो आता है एक द ब्लेसिंग्स गुरु कृपा के साथ करेक्ट जैसी गुरु कृपा होती है फिर ये सहज है अवेयरनेस लव एंड वेलबींग नहीं तो आज के डेट में वेलबींग के लिए क्या नहीं है माय गॉड कितना सारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री है
तो भी वेलबींग क्यों नहीं हो रही है? कितने सारे मूवीज और सॉन्ग्स है लव के बारे में, लव तो है ही नहीं, कितना सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज है, बट स्टिल नो बोध. करेक्ट? इजंट द लाइफ कॉन्ट्राडिक्टरी? है या नहीं है? yes. यही तो हो रहा है. लव सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, फिर ऑटोमेटिक होता है वो बाय प्रोडक्ट है अदर्स के लिए. बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति खुद में ही स्थित नहीं है, खुद में ही स्थित प्रज्ञा नहीं है और खुद को ही प्यार नहीं करता है, तो फिर वो बोलता है ये तू मेरे पे ट्रस्ट करना, और वो व्यक्ति खुद पे ट्रस्ट नहीं करता, और फिर सामने वाले व्यक्ति को बोलता है अरे भरोसा रखना मेरे पे, मैं हूँ ना, तो क्यों डर तेरे को? कैन यू सी? सो जो व्यक्ति खुद में ही लव होता है उसको फिर कहने की जरूरत नहीं है अरे देखो मैं आप मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मैं सबको प्यार करता हूँ. वो प्यार नहीं होता. जो दिखाता है और वो दिखवाता है, वो आप समझिए वो गड़बड़ी है. कर्म तो सबने देखा हुआ है कि इट इज अ फैक्ट. सबने अपने लाइफ में देखा, आपने कुछ गलत किया हो अभी. हां बराबर है. आई एम आल्सो एक्सपीरियंसिंग एंड आई बिलीव इन कर्म, दैट्स अ फैक्ट. तो जो कर्म आपने किया है आपको भोगना ही है, इट्स लाइक अ पनिशमेंट. देयर इज वन जैन मुनि व्हिच हैज रिटन अ बुक कॉल्ड कर्म सत्ता. हु सेज, ही सेज दैट जैसे ये अपने मटेरियल वर्ल्ड में एक accused है, I am an accused, I have done some crime. The police catches me, takes me to the court. Court pronounces कि 5 साल जेल. वो जाके जेल में रख देता है, ठीक है, and वहाँ jailer के हाथ में देता है. अभी कौन कौन है accused? Police, judge, jailer. Okay. अभी accused judge को गाली देता है. चप्पल फेंकता है उस पे, हाउ कैन यू गिव पनिशमेंट? करेक्ट. पुलिस को गाली देता है कि पकड़ के लेके जाते हैं. जेलर तो 5 साल वहीं है, तो खाना क्या खिलाता है. इन ऑल दिस कोर्ट ने अपना काम किया, पुलिस ने अपना काम किया, जेलर अपना काम कर रहे हैं, और एक्यूज सबको गाली दे रहे हैं एज इफ अदर्स आर एक्यूज एंड आई एम नॉट एन एक्यूज. सो सेम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने when you realize this, this is a fact which I have realized, कि जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो भी कुछ मेरे family members, मेरे friends, मेरे साथ कर रहे हैं, मैं उनको गाली देता हूँ कि मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं. But finally, ये मेरा कर्म है. I am an accused. If I come to believe कि I am an accused and they are doing their duty, भगवान ने उनको भेजा हुआ है आपके relation में, give you punishment. तो उनको गाली देना काम नहीं हुआ, उनका काम कर रहा है, जैसे जेलर उनका काम करे, पुलिस उनका काम करे. सो इफ यू कम टू द कंक्लूजन ये मुझे भोगना ही है, सो इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग देम आराम से भोग लो. अगर आप जेल में हो, आराम से 5 साल की सजा भोग ले, तो वो जेलर बोलेगा अच्छा वर्तन से तुमको 4 साल भी छोड़ दिया. अगर उधर गड़बड़ करते हुए तो 5 साल का 6 साल भी हो सकता है. सेम इज ये कि वो मेरे को सजा दे रहे हैं, उनको कुछ गाली मत देना कि ये आई एम This is what he has written and which I believe in that. उसपे related question है कि बोलते सेवा करो, सभी धर्म बोलते सेवा करो, दान करो, किसी को मदद करो. Everybody says. Now I feel that I am interfering in what the God has given punishment to that person. वो भिखारी है, किसी को खाना नहीं, किसी का whatever happens. उसको punishment किसने दिया हुआ है? Because of his karma. मैं जाके उसको मदद करता हूँ. So I am interfering with the judgment which is given by the God because of his karma. मैं अभी यही आंसर आपको आंसर दे दो, मुझे पता चल गया आपका क्या है क्वेश्चन. सेवा, अभी आपने बोला सेवा करो, सभी धर्म बोलते हैं सेवा करो. ये बोध में अगर आप करोगे तो फिर आपका वो बोलते हैं ना बॉन्डिंग ऑफ कर्मास, वो नहीं होगा. अगर आप प्रिटेंड के लिए करोगे, प्रिटेंड के लिए लोग चैरिटी करते हैं. Have you seen? चैरिटी का मतलब ये होता है कि बताना. हाँ बराबर, तो मैं वही बोल रहा हूँ. तो अबोध में तभी आप करते हो. गीता का ये है आंसर है. गीता में वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप
आप ज्ञान में बढ़ोगे तो आपके जो भी कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, करेक्ट। मगर वो ज्ञान क्या है, वो अवेयरनेस वाला ज्ञान होता है। नहीं तो अभी क्या है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें हम हमारा कर्म का बॉन्डेज कर रहे हैं, हम कर्म बॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप अवेयरनेस से करोगे तो फिर उसमें बॉन्डेज नहीं है। फिर अवेयरनेस से करके मतलब अवेयर बोध के साथ, बोध के साथ, बोध बोध मतलब क्या है, आपको पता ही चलता है, आपको फिर इंट्यूशन आती है, आपके नाभि बता दी आपको, वो आपको आंसर कल मिलेगा, कल आपको आंसर, वो कर्म करो। हाँ 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 यस। I am not interfering with no, then it is not. Gita states it. No, Gita states it. You are then doing, you are bhasm, jo bhasm kar rahe ho aap phir. To nahi ho raha phir. Aap wo awareness ke saath kar rahe ho, yehi khasiyat hai. Agar aap unawareness ke saath aap kuch kar rahe ho, to aapke saath bondages aur karma ke aur aa jaate, uske aa jaate, uske aa jaate aur aapke bhi badhenge. Magar aap awareness ke saath jaate ho, so imagine if you are doing with awareness and you are helping someone's karmas to get burnt, it's the best job in the world, is it not? Is it not? What do you think? Yeah, you are doing practically the best thing. Magar unawareness ke saath karoge to usme pretend aata hai aur usme fir hamare hi karmas aur badhte hain. Aapko answers mila? करेक्ट। तो हमें फिर साउंड थेरेपी क्यों प्रैक्टिस करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेंस वाइब्रेशंस और एनर्जीज रिलीज करने के लिए, फर्स्ट व्हेन इट स्टार्ट्स टू गो अवे अंदरूनी नाद आता है, अंदरूनी नाभि हमारी खुलने लगती है और नाभि होती है हमारे इंट्यूशन सेंटर। अभी हम सिर्फ ब्रेन के साथ ही चल रहे हैं, मतलब लॉजिक्स एनालिटिक्स एंड कैलकुलेशंस, सिर्फ माइंड माइंड भी नहीं, हम सिर्फ ब्रेन कैलकुलेट कैलकुलेशंस में ही हम उलझे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो अंदरूनी नाद है वो बाहर नहीं आ रहा है और हमारी नर्वस सिस्टम हमेशा ब्लॉक रहती है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज वेगस नर्व जो हमारे हेड हार्ट और हमारे नाभि को कनेक्ट करते हैं। सो अगर वो ब्लॉक्ड है तो फिर हमारा हार्ट ओपन नहीं होता है और हमारी नाभि ओपन नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई अगर आप जितना भी ज़्यादा मेडिटेशन ये करो वो करो वो करो, अगर आप नाभि से नहीं आ रहा है वो, तो फिर वो अंदर से खिलावट नहीं होती है, अवेकनिंग नहीं होती है। That's why in BodhMarga, if you see the arrow, the three centers, then only the arrow can shoot, then only the heart will shoot away. Correct? नहीं तो अगर एक ही सिर्फ end tied है तो वो चलेगा, arrow चलेगा, एक ही bow सिर्फ head से connected है तो चलेगा वो, नहीं चलेगा। That's why the head, heart and the hara. इनर वॉइस कम्स फ्रॉम यस यस, वो जो उसका एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट नहीं, इंट्यूशन आती है नाभि से, इंट्यूशन गट फीलिंग क्या बोलते हैं, गट की फीलिंग, करेक्ट। एंड इफ यू सी एक आपको एक मेरा भी एक मतलब रिसर्च नहीं, ऐसा रिसर्च नहीं मगर जो भी आज के डेट में चालू है, मतलब फूड्स है या जो एक्टिविटीज है, वो हमारे गट फीलिंग को सप्रेस करती है, हमारी इंट्यूशन को बाहर आने नहीं देती। विजडम सेल्फ हम बोलते हैं, सुपर सेल्फ या ओन सेल्फ, उसको बाहर नहीं आने देती है, इसलिए हमें लगता है अवेयरनेस। तो जैसे ही हम ये डेंस एनर्जीज रिलीज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदरूनी खिलावट होती है, नाभि की खिलावट होने लगती है और उसको हमें पकड़ना रहता है, उसको हमें कैच करना होता है और उसको हमें सस्टेन करना है। तो जैसे हम सस्टेनेंस में आते हैं तो ऑटोमेटिक हम बोध की तरफ बढ़ते हैं और वो एक ऑफकोर्स ये बोध बढ़ता ही तभी आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है, तभी वो होता है। नहीं तो फिर हम बाहर की दुनिया में उलझते हैं, बाहर के रिचुअल्स में और बाहर के एक्टिविटीज़ में हम उलझते हैं। फिर लोग देखेंगे राम राम वो सब बीज मंत्रस करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, माइंडफुलनेस करते रहते हैं, करेक्ट करते ही रहते हैं, डूइंग में फंस जाते हैं, वो हैपनिंग नहीं होता। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ श्रम, श्रम मतलब एफर्ट वाला योग, एंड अ योग विच इज़ ग्रेसफुल, सहज योग। देर आर टू टाइप्स ऑफ योग, एक योग है वो ऑटोमेटिक होता है आपके साथ और एक योग है आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि आप सीखते हैं तो फोर्स है वो, आप खुद से वो उसमें फोर्स लगा रहे हो, मगर एक टाइप का योग है सहज योग, ऑटोमेटिक आपके अंदर से योगासनाज होती है, ऑटोमेटिक प्राणायाम होता है, इसको इफ यू सी इसको शक्तिवाद बोलते हैं। सहज योग ऑटोमेटिक, सहज समृद्ध योग, ईजी योग, अरे ऑटोमेटिक आपकी लाइफ क्रिया हो जाती है,
मैं चलते हुए काम इन अवेयरनेस आई एम सिटिंग फॉर अ ध्यान मेरे से ऑटोमेटिक योग होता है और ये होता है एक ब्लेसिंग्स के साथ और सबके लिए ऐसा नहीं मतलब हो सकता है सबके लिए भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए आज किने चुने लोग तो आए हैं इधर करेक्ट वो मेरे से कनेक्ट करने के लिए नहीं आए हैं वो बोध की तरफ आने हैं नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक हाँ थॉटलेसनेस आप नाभि से जीरो थॉट्स हम एक्सपीरियंस करेंगे ना पोस्ट ना 5 मिनट्स चलेगा 10 मिनट्स सब बैठ सकते हैं हाँ वो होता है हाँ हाँ थॉट्स नहीं आते अभी ये जो माइंड में हलचल चल रहे हैं वो नहीं आती है नहीं 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 वो अनुभव है ना फिर वो अनुभव है वो बोल ही नहीं सकते बोल ही नहीं सकते अनुभव ही है वो मैं बोलूंगा तो वो थॉट हो जाएगा नहीं नहीं मेरे मैं जब भी मेडिटेशन से बाहर निकलता हूँ मुझे थॉट ही नहीं है तो इसलिए तो अनुभव ही है ना तो जितके जो भी लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में बोल रहे हैं एस्पेशली माइंडफुलनेस अगर वो आपको अनुभव की तरफ नहीं लेके जा रहे तो मेडिटेशन इज मुद्रास और आसन कंपलसरी नो नो नीड वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बोलता हूँ आप 12वां स्तोत्र है हरिपाठ का उसमें बोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज जितना आप ज़्यादा क्रिया करते हो जितना ज़्यादा आप तीर्थ करते हो तो वही होता है फिर से तो जो ऑटोमेटिक हो जाता है वही तो बोल रहा हूँ आपके लिए ये सब ज़रूरत नहीं फिर ऑटोमेटिक सहज योग हैज़ टू बी सहज और जो और मैं आपको बोलता हूँ वही बोलता हूँ जो लोग सहज नहीं कर पा रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारे बॉन्डेजेस है तो उनके लिए फिर मास्टर्स बोलते हैं तुम लोग ये मुद्रा कर तो तेरा दोष कम हो जाएगा तू ये क्रिया कर या 1000 बार राम 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 लिख तो उसमें आपके बॉन्डेजेस और कर्मास क्लियर होते हैं तभी वो क्लियर होते हैं तभी वो जो डिसाइपल है वो रेडी होता है सहज योग के लिए मगर अभी लोग उसमें ही उनको वही चाहिए अरे तो कर तो करते बैठो Yes, 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 correct, in the spirituality, very good question. Yes, yes, first, correct. Very great question. How to find the purpose of your life? Purpose of your life. ये almost दोनों same है. तो जहाँ पे आप वो path में जाते हो और वहाँ पे inner love या हम love प्यारी माउली अब बन जाते हो मतलब क्या एक कंपैशन ही आता है आपके अंदर तभी वो है राइट पाथ आपके लिए और वो आपको ऑटोमेटिक आपको सरेंडरेंस में लाता है तो लोग फिर जताते बैठते हैं करेक्ट फर्स्ट इज यू आर नॉट फोकस्ड आउटवर्ड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो फिर आप खुद में मस्त हो जाते हो फर्स्ट और आप कंपैशन की लेवल में आने लगते हो आपके बॉडी में सेंसेशंस आते हैं और फॉर माय ओन सेल्फ मेरे से ऑटोमेटिक योग हो रहा है तो वो एक इंट्यूशन या सिग्नल होती है और लोगों को जैसे आपने कहा कि अभी मेरी मेरे साथ कुछ डिसाइपल्स है मास्टर के तो उनको लाइट्स दिखते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन उनको गुरुज के ब्लेसिंग्स मिलते हैं ये सब है रिकॉर्डेड है माइंड को ये प्रूफ लगता है मगर ये सब होता है मगर आप खुद से ये पढ़ोगे नॉलेज तो फिर लिमिटेशन होती है मगर अनुभव होता है For me, automatic yoga is happening, automatic mudras is happening. I never have learned yoga, but मेरे से automatic हो रहा है वो और ये सबके साथ होना necessary भी नहीं है शायद से मेरे में वो release करने के लिए necessity है इसलिए मेरे से हो रहा है वो शायद आप अगर इसलिए हरिपाठ की एक शिविर होती है वहाँ पर आपको initiation के लिए chance होता है So we have started with the BodhMarga. वो सब जगह पर होता है वो चराचर में होती है चराचर में है राम चराचर में एटम्स में हर एक सेल्स में अपनी खुद की व्हाट इज आत्मा आत्मा इज नथिंग बट अ बैटरी एनर्जी हां हां व्हिच रन्स आत्मा फॉर आत्मा तो फॉर तन व फॉर मन ये तीन ही अगर चीजें बैलेंस में आ गई देन यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ये तीन चीजें आत्मा तन और मन को बैलेंस Purpose of life. What do you think the purpose of life is? Right.
यही चैलेंज है लोगों को, सक्सेसफुल बनना है, लोगों को फेमफुल बनना है, मगर वो पर्पज नहीं होता. अब जिम कैरी बताया आपको, एक्टर जिम कैरी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि लेट ऑल द पीपल बी फेम, लेट ऑल द पीपल हैव ऑल द रिचेस एंड मनी, लेट पीपल हैव ऑल द थिंग्स इन देयर लाइफ एंड दे देन विल दे देमसेल्व्स विल कम टू अ कंक्लूजन कि इसमें वो नहीं था. तो कहाँ पे है फिर वो? आस्क योर सेल्फ होता है, फिर वासना होती है, फिर वासना आंसर करती है. जैसे कि मेरे लिए वेरी वासना पर रन कर रही थी. हाँ वो वासना करेंगे साइन. टैलेंट भी एक वासना है, तो कहा कैसे आप करोगे? जैसे कि मेरे लिए टैलेंट तो वासना थी, मैं तो प्रिटेंड में था मेरे डीजेइंग के लिए, तो फिर तो कैसे पर्पज में आ गया मैं? मगर वो तो एक कंटेंट हो गया, वो तो हमेशा हर हर जन के लिए अलग अलग होगा. पर्पज ऑफ लाइफ चाहिए तो ये नहीं है, वो एक गोल हो गया. पर्पज ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. पर्पज इज हियर द सेकेंड वर्ड लव. What is real love according to you? Not that like media जो portray कर रहा है वो बहुत गलत है. Correct. वो छोड़ के what is real love? Love is the state of being into the divine compassion. It's the function of divine compassion. जो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं माउली. माउली अवस्था मतलब जो सिर्फ माँ ही दे सकती है. माँ अनकंडीशनल माँ, वो परे है, माँ के भी परे है. And right now if you see even moms, even the ladies who are getting, they are not able to love their own child. ये क्यों challenges है? Because all these stuck energies. तो जैसे हम stuck energies के बाहर है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो ये आपका purpose of life है या फिर आपका जो state है जो प्यार का, वो आपका ना पहला है ना आपका दूसरा है ना आखिरी, वो ही है आप, वो ही हो आप. ना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है ना सेकंड प्रायोरिटी ना लास्ट प्रायोरिटी, मगर वो ही है आपका. लव इज ओनली योर स्टेट, ब्लिस इज ओनली योर स्टेट. जो आपने कभी सुना होगा सच्चिद आनंद, वो ही स्टेट है आपकी आनंद की. मगर फिर बीच में हमारे होती है डेंस वाइब्रेशंस, उसको क्लेंस करते तो जरूर. मगर अभी इसमें यहाँ पे डिफरेंस आता है तो बहुत लोग ये ट्राई कर रहे हैं, मगर उसमें चैलेंज वो फिर ऑथेंटिकली ट्राई नहीं कर रहे. जो ऑथेंटिक होते हैं उनको एनी हाउ मिलता है, एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ मिलता है, एनी हाउ मिलता है. वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें आपको मास्टर एक मिलता है या आपको एक पाथ मिलता है, ऐसा कुछ तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कोई तो जोड़ देता है, या कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाता है और वो आपको ऐसे ही ऊपर वहाँ पे लव की तरफ लेके जाता है ऐसे ही. और वो इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस नहीं है, वो एक चुटकी में होने वाला प्रोसेस है, थोड़ा सा थोड़ा सा. मगर उसके लिए ही है ऑथेंटिसिटी. तो जब तक हम ऑथेंटिसिटी की तरफ नहीं बढ़ते तो फिर वो नहीं होता. मेनी पीपल फॉल इन दिस ओनली, दे फॉल इन दिस ट्रैप. दे रियली वॉन्ट टू सर्व द वर्ल्ड, करेक्ट? सो मेनी पीपल कम हियर टू टॉक, दे रियली वॉन्ट टू सर्व, मगर उनकी वासना होती है, वो मदद ही करना वासना बन जाती है. तो फिर लोग बोलते हैं अरे मैं हीलर हूँ, मेरे को हील करना है लोगों को, करेक्ट? यू मस्ट हैव सीन सो मेनी पीपल, एंड सो मेनी पीपल आर डिस्टर्ब्ड इन दिस फील्ड. तो ये सिर्फ फील्ड है जो अवेयरनेस की तरफ लेके जाएगा, बोध की तरफ, और फिर सहज है. फिर आप जो भी चीज़ करते हो आपके लाइफ में वो कंटेंटमेंट और लव ही लेती है, लव ही बांटती लोगों को. जैसे कि आज है, हाँ, लव एंड फॉरगिवनेस. अगर बुद्धा खुद ये कह रहे हैं, बुद्धा भगवान मिडल वे, यही तो है चैलेंज, यही तो है ना चैलेंज. देन दिस इज नॉट द रियल. या प्लीज, इट विल बी रियली सो.
आई होप सबके यहाँ पे आंसर्स जो भी मेरे आई एम जस्ट अ मीडियम राइट नाउ मगर जो भी मेरे से आज हुआ ये टॉक मे बी इट इज इट मे हैव बीन अ वेरी हे वायर्ड और वेरी काइंड ऑफ अ केओटिक आई डोंट नो हाउ इट वॉज बट अगर ये डेफिनेटली ये जो सेशन था आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा सो आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड स्पेंडिंग योर टाइम एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी और कनेक्ट विथ दी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सर्च बोधमार्ग फाउंडेशन और वेलनेस वाइब और इवन यू कैन सर्च माई नेम डायरेक्टली ऑन द गूगल एंड यू विल गेट द कॉन्टैक्ट एंड यस एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट एंड आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन एंड रियली थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू एंड माई